It was decided that each of them would narrate two stories on the way to the contemporary tales. And two stories will be told while coming back from the contemporary tales. तो इस तरह से कुल मिलाकर 120 यानी 120 स्टोरी बनती थी जो होना चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका, इतनी कहानियां नहीं मिल पाई और जो है उनमें से भी बहुत सारी इनकम्प्लीट है। तो प्लीज लिसन, आप लोग बातें नहीं करें आपस में, मेरी बात को सुने। तो जो हमारे पास अवेलेबल है वो भी मुकम्मल नहीं है। तो इनमें से एक जो द नाइट है, पहले वाली वो हमने पढ़ ली है, और द नाइट यू नो इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन, ही इज अ वॉरियर एंड बिलोंग्स टू द शिवलरिक क्लास, मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ आल। तो उस की स्टोरी है और उसने बेसिकली अपने आपको बयान किया है पहले, और ये जो पोइट है वो हमें उनका इंट्रोडक्शन देता है। How do they look? How are they bearing? And how do they behave? What is their social status? All the things are narrated and described in it. और इसके अलावा जो चीजें हैं कि उन्होंने कहानियां क्या बयान की हैं, वो नहीं बयान की गई। कहानियां क्या बयान की हैं वो हमें नहीं बताई गई इस बुक में, लेकिन there were certain stories they told. And they were recorded. तो इनमें जो नाइट है वो दो नाइट्स की कहानियां सुनाते हैं, and they are fighting and struggling to win the favor of a beautiful lady. They are rivals. और दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरह से उस लेडी को विन कर सकते हैं। लेकिन आगे क्या हुआ, किधर स्टोरी किधर गई, क्या इसका हुआ, इसके बारे में हमें इतना ज्यादा नहीं बताएंगे। तो ये भी इनकम्प्लीट स्टोरी है। फिर इसके बाद द स्क्वायर है, स्क्वायर जो उसका बेटा है, ही इज कंसीडर्ड टू बी हिज सन, एंड वी आर टोल्ड दैट ही इज सन, एज फार एज वी नो फ्रॉम दिस बुक दैट ही इज अ यंग मैन, ऑलमोस्ट 20 इयर्स ओल्ड। He is wearing embroidered clothes and gay and lusty bachelor. He keeps on playing and singing. उसे नाच गाना भी आता है। गाने लिखता भी है, कंपोज भी करता है और गाता भी है, आर्टिस्ट है। और बट ही हैज फॉट एट सर्टन फ्रंट्स एज वेल टू विन द फेवर ऑफ हिज लेडी। ये जो एक कॉमन चीज है जो मुझे तो लगता है फ्रॉम द डे वन ये चला रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल स्ट्रगल टू विन द फेवर ऑफ लेडीज। ऐसा ये भाई साहब ये नाइट में है, स्क्वायर में है, ये अपनी लेडी की ग्रेस हासिल करने के लिए, उसको कुछ करने के लिए जंगे लड़ता है और उनमें विक्टोरियस रहा है। we are told about 3 battles he had taken part in, और उनमें वो जीता है। तो ये हमें बताया गया है। तो वो ये उसकी अपीयरेंस और उसकी जो पर्सनैलिटी है उसके बारे में बताया गया है। तो उसकी जो कहानी है, द स्टोरी ही नरेट्स, वो हम बाद में देखते हैं। पहले उसका उसकी जो टेक्स्ट बुक जो आपके सिलेबस में शामिल है उसका कुछ हिस्सा हमने पढ़ा था शायद, और आई थिंक वी आर टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस कैरेक्टर। पहले उसको पढ़ लेते हैं और फिर पढ़ने के बाद फिर हम इसको इसकी स्टोरी है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये द स्क्वायर जो है ये विद हिम देयर वाज हिज सन, क्या से हमने पढ़ना है ये इसको प्लीज देख ले शुरू से। हैव यू गॉट द बुक्स, ये सब इसको देखना।
ठीक है ना। क्या करूं? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, हो गया। यस फिजान फिजानबा, फिजानबा डू यू लिसन? प्रेजेंट प्रेजेंट सर। बुक आपके पास है? हाँ जी सर। प्लीज अपने बुक से कल सब लोग, और ये मेरी बात और प्लीज सुने, कल से आपकी अटेंडेंस भी होगी, कल से आप ओके सब लोगों की इस पीरियड में अटेंडेंस भी होगी, तो आप अपनी बुक्स भी साथ रखें। और वैलेंटाइन 10 बजे आपका लेक्चर शुरू हो जाया करेगा, तो उसके लिए आप ओके लोग सर। जो है वो प्लीज तैयारी के साथ हैं, ठीक है। विल और बी टू जीरो आपके जो नेक्स्ट वीक। गैजेट्स हैं, मोबाइल और एक्सेसरीज, उसकी जो नट शट, वो प्लीज ठीक रखें, ठीक। क्योंकि अब जो इन पर्सन क्लासे हैं वो तो कुछ देर नहीं होगी, तब तक हमें ऐसे ही चलाना पड़ेगा, तो इसलिए आप प्लीज तैयार होके आए और अपने अपने जो चीजें हैं, बुक्स हैं और बाकी मटेरियल है वो साथ रखें। और जो टेस्ट का सिस्टम है वो हमने उसको कैसे चलाना है ये हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे, ठीक। तो जी आज सिर्फ 13 मेंबर है जिन्होंने ज्वाइन किया अभी तक, 13। तो जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें सब लोग, मैं तक ये देख लूं, अनम्यूट करें अपने आप को सब लोग, किसी ज्वाइन किया है वो फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं है, सब सब अनम्यूट करें अपने आप को। असद अली, असद अली डू यू लिसन? सर। असद अली, प्रेजेंट सर। अच्छा। आयशा, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट फिजा अनवर, सर। हफ्सा शौकत प्रेजेंट सर। और यास्मीन अख्तर, यास्मीन प्रेजेंट अख्तर, सर। प्रेजेंट सर। ठीक हो गया। आगे देखिए इसको पकड़। हाँ, और ये है 9 पे, कौन है ये 9SGHC8, ये कौन है, इसकी का बिजली वीडियो हो रहा है। हाँ ये किसने ज्वाइन किया हुआ है, ये वाले, ये जी। इसकी वीडियो ऑन है, क्या नाम है आपका? दूसरी तरफ मीडी काले पे कौन है, ओए अपना नाम तो बताओ, अब ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कौन है? प्लीज अपने नाम के साथ ज्वाइन करो, ठीक है। ये जो अपने वो कोई ये फिगर्स डीवी होती हैं तो उससे पता नहीं चलता, ज्वाइन करने से पहले नाम एडिट करने का हाँ नाम ऐड करें ऑप्शन प्लीज, नाम ऐड करके फिर ज्वाइन करें, राइट। समझ आ रही है? ये आयशा है, चलो ये पर देखो इसको पकड़। हाँ, और ये गैलेक्सी J7, ये कौन है, मैक्स है कोई बच्ची, आप लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है और नाम के साथ ज्वाइन करें। हीरा आशोर, हीरा अनम्यूट योर सेल्फ अगर हो तो, हीरा आशोर, चलो कल से प्लीज नाम के साथ ज्वाइन करें। और अब जो ये अपने कोई कोड नंबर वगैरह दिए हुए हैं इनके नाम, अपने नाम से ज्वाइन करें। 10 क्वायर हमने पढ़ना है और अभी 13 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो थोड़ा शुरू कर लेते हैं। विदिन देयर वाज हिज सन अ यंग स्क्वायर, देयर इज अ यंग स्क्वायर, यू नो ये द स्क्वायर, द स्क्वायर इज लैंडलॉर्ड एंड ऑन हिज वे टू बी द नाइट इन फ्यूचर, उसका बेटा है जो मुस्तकबिल में जाके ये भी द नाइट ही बनेगा। तो यू नो द क्वालिटीज ऑफ नाइट, दे आर ग्रेट वॉरियर्स एंड देयर द फेवरेट प्रोफेशन एंड हॉबी और ऑक्यूपेशन इज फाइटिंग, दे कीप ऑन फाइटिंग और दे फाइट फॉर देयर कंट्री, दे फाइट फॉर देयर लॉर्ड्स और फाइट फॉर देयर रिलीजन एज वेल। तो ये मुस्तकबल का ये भी नाइट है, यंग स्क्वाड जो है। ही इज अ लवर एंड लस्टी बैचलर, वी आर टोल्ड
of his two qualities at the beginning, that he is a lover and lusty vegetable. Instead of describing his warlike qualities, instead of telling us that he is a great warrior, the poet tells us that he is a great lover and lusty bachelor. He is unmarried and is a lustful person. Furthermore, he is a great lover. So, yes, his qualities are different. So, these चीजें हैं या ऐसी जो पोइट बयान करता है तो ये अनबिकमिंग है टू दिस पर्सन टू दिस सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स, इसको मुनासिब नहीं है, गैर मौजू है. तो ये पोइट उसको रिडिकूल भी करता है, ह्यूमराइज भी करता है और इस तरह से उसके अंदर जो फ्लॉज हैं, डिफेक्ट्स हैं, उनको पॉइंट आउट करता है. एंड ही इज ऑफ the opinion that they should not be there. अगरचे वो किसी कोई harsh लहजा नहीं इख्तियार करता, कोई उन्हें rebuke नहीं करता, कोई ridicule नहीं करता, कोई बाजार उनके उनके बारे में कुछ ऐसी बात नहीं करता, लेकिन ये तो है ना कि उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए. They should have the qualities which are to be considered befitting to that character, to that person. तो ये लवर है और लस्सी बैचलर है. विद लॉक्स कर्ली एज दे वर लेड इन प्रेस एंड ही हैज लॉक्स, कर्ली लॉक्स, लंबे लंबे बाल हैं और कर्ली हैं, व्हिच आर लेड इन प्रेस एंड दे सीम टू बी दैट दे आर प्रेस्ड अंडर एन आयरन, जैसे लोहे की आयरन के नीचे या इस्त्री के नीचे उनके प्रेस किया गया हो, इतने उनके गुंगराले बाल हैं और वो परमानेंट है. He takes care, great care of them. He considers them more important than the sword. तलवार से भी ज्यादा उसके लिए अहम है, क्योंकि उसका फील तो लव मेकिंग है, उसका फील तो लस्ट है, उसका फील कोई बेटर फील्ड नहीं हमें बताया गया है इन द बिगिनिंग. तो एक लव फील्ड में या एज अ लवर उसका ड्रेस अच्छा होना चाहिए, उसका ड्रेस अट्रैक्टिव होना चाहिए, उसके बाल खूबसूरत होने चाहिए, उसके बाल कर्ली होने चाहिए, बिकॉज इट वाज अ फैशन इन दोज डेज, कर्ली बाल होना और जमे हुए होना, बिखरे हुए बाल ना होना. परहैप्स दे माइट बी यूजिंग ऑयल इन देयर हेयर एज वेल. तो इसके जो बाल हैं वो जैसे प्रेस की वजह से लगते हैं. तो चूंकि वो मोहब्बत के मैदान का खिलाड़ी है तो ये उसकी क्वालिटीज हैं. Of 20 years of age he was, I guess, the poet is of the opinion that he is almost 20 years old. He is not an aged person. He is a young, handsome, smart, having curly hair and beautiful look. So, umar bhi takriban 20 saal hai, naujawan hai. Of his stature he was of even length, as far as his height is concerned. Stature, he means height. As far as his height is concerned, he is of even length, normal size. He is a normal sized young man of 20. 20 साल का नौजवान है, जिसका दरमियाना कद है. तो ये उसकी physical appearance और height के बारे में बताया गया है. And wonderly deliverer and of great strength. And wonderfully, 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 wonderfully deliverer active. He is wonderfully active and great and a man of great strength. He is a very powerful person and active, clever, smart. Balki nahi hai, pet nahi nikla hua, aur dubla patla hai, khoobsurat hai, smart hai, man of great strength hai. Badi taakat hai uske andar aur चूंकि वो वार के प्रोफेशन से है, लड़ना, लड़ाई करना उसके प्रोफेशन में शामिल है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ होना जरूरी है.
and keep on making difference in these things. ताकि आपकी critical approach बने, आपको समझ आए चीजों की है क्या और होना क्या चाहिए. क्योंकि एक्चुअली ऐसा नहीं होता. एक्चुअली जो पॉइंट है वो उनके बारे में cynical नहीं है. He does not take and hit anybody. He does not rebuke and ridicule anybody. किसी का मजाक नहीं उड़ाता, किसी से नफरत नहीं करता. और that's why वो जो है he is as popular, as important as he had been in the days when he was alive in the world. तो इसीलिए आज भी वो उतना ही पॉपुलर है जितना उस जमाने में पॉपुलर था जब वो इस दुनिया में था. तो ये चूंकि he loves all and hates none, ये उसकी क्वालिटी है. तो चाहे अब इसमें जब हम चासी को पढ़ते हैं तो उसके चूंकि मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपके पहले दिया हुआ है, इसके बारे में आपको पहले बताया हुआ है, उसकी इसके बारे में बताया हुआ है, तो लिहाजा इसलिए मैं आई डोंट गो इनटू डिटेल्स ऑफ द ऑल दीस थिंग्स. मैं जहाँ पे हमने छोड़ा था वहां से मैंने स्टार्ट लिया है ताकि आप हमें थोड़ा आगे जा सकें. तो वो बेसिकली जैसे मैंने बताया वो किससे नफरत नहीं करता. He loves all, he respects all. तो उसके कैरेक्टर्स में तमाम एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ से लोग दिए गए हैं, जो जंग की दुनिया है, जो बेस्ट रियल वर्ल्ड है वहां से भी लोग दिए गए हैं. कॉमर्स क्लास, चूंकि कॉमर्स बड़ी एस्टेब्लिश हो रही थी उन दिनों में, स्टेट ऑफ ब्रिटेन विद मेनी कंट्रीज, तो लोग बहुत अमीर हो रहे थे और बड़ा मुनाफा कमा रहे थे. लेकिन जो बिग मेजोरिटी है वो फार्मिंग से ताल्लुक रखती थी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी. तो वो इतने अमीर और रिच नहीं थे. दे आर लुकिंग टू नेचर, फार्मर्सी, फॉर स्पोर्ट एंड फॉर फेवरेबल कंडीशंस. तो इसलिए उनकी हालत तो पता नहीं थी. तो बाकी जो ट्रेड और कॉमर्स से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, दे आर कीपिंग इनफ मनी टू बी बोस्ट ऑफ. तो ये एक फर्क था. और इसीलिए उस जमाने में लोगों के मजहब के साथ कमिटमेंट ज्यादा थी, मजहब से लगाव ज्यादा था, और जो मजहब से रिलेटेड लोग थे उनको उनकी तरफ वो स्पोर्ट और प्रे के लिए देखते थे. ये जो चीजें हैं मिलती हैं उसके सारे राइटिंग में. तो आज चूंकि पहला दिन है, वी आर टेकिंग अ स्टार्ट, तो हमने थोड़ा उसको देखा है. कल इससे आगे हम पढ़ेंगे. तो प्लीज सब अपनी बुक्स के साथ सब लोग क्लास में मौजूद हो. और वैलेंटाइन आपके अटेंडेंस भी होगी, और जो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे दे विल बी मेड एंड हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. प्लीज मेक श्योर कि आप सब लोग अपनी क्लासेस इन टाइम लें. और जहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम है, क्लास नहीं हो रही या कोई आपको फीडबैक नहीं मिल रहा, तो लेट मी नो प्लीज एज वेल, ताकि हम उसके उसके हवाले से थोड़ा जितनी बेहतरी हो सकती है बुलाने की कोशिश करें. राइट, सी यू टुमारो इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.